हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है हिंदी का वर्कशीट। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एस टी केट से स्टडी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक नया वीडियो, जो कि होने वाला है हिंदी का वर्कशीट एल के जी या नर्सरी के बच्चों के लिए। बट बाय द वे, अगर मैं कहूँ तो ये नर्सरी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है। ठीक है, अगर आपका बच्चा हिंदी में वीक है तो आप ऐसे वर्कशीट उन्हें सॉल्व कराएंगे तो उनका हिंदी काफ़ी स्ट्रांग होगा, उनकी बेसिक काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, हिंदी का वर्कशीट हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चे के लिए एक दिन में आप ज़्यादा ओवरलोड नहीं देना है। आपको ये नहीं कि आप चार चार पेज का वर्कशीट उन्हें सॉल्व कराएंगे, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। बिकॉज वो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, तो आपको थोड़ा थोड़ा एंजॉय करके उन्हें पढ़ाना होगा, एंटरटेन करके पढ़ाना होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा वर्कशीट उनसे सॉल्व कराइए। ठीक है, कोशिश करिए कि आप उनके सामने खुद सॉल्व करिए पहले। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनको लगेगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं, नकलची बंदर कहीं जाते हैं बच्चे, आपको पता होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको वर्कशीट कराना है उन्हें मैं बता देती हूँ। स्वर से स्वर का मिलान। अब मैं बता दूं, अगर नर्सरी का बच्चा है तो उन्हें क ख ग ग नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें सिर्फ स्वर के बारे में बताया जाता है, अ से अह तक उन्हें याद कराया जाता है। ठीक है, उन्हें उनका पहचान भी कराया जाता है। तो ऐसे पहचान कराने के लिए ये पहला मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वर से स्वर का मिलान करें। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, आपको उन्हें बताना है, जैसे पहले आपको उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनको इतना प्रेशर नहीं देना है कि आप कर ही लेंगे, ऐसा उनके उनको बिल्कुल नहीं कहना है, ताकि उनको परेशानी ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से उन्हें आपको बताना है कि देखो यहाँ पर अ दिख रहा है, यहाँ पर तुम ढूंढो। आपको कैसे बताना है मैं वो भी बता रही हूँ। यहाँ पर आप अपने बच्चों से कहेंगे कि आप ढूंढो कि इसके जैसा कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो फिर अगर उन्हें दिख जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप उन्हें खुद भी बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ इसकी मैचिंग कराएंगे। ठीक है, देन आ से आ कहाँ दिख रहा है, आ यहाँ पर है, दूसरा आ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगर वो पहचान जा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आपको उन्हें बताना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही उनको मैचिंग करानी है। ठीक है, पहला हो गया, उसके बाद है दूसरा। सारा जो भी वर्कशीट, मतलब जो भी वर्क में सॉरी जो भी शीट्स में जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे स्वर पे ही मिलेंगे। ठीक है, द सेकेंड वन यहाँ पर आ जाता है, आ स्वर में गोला लगाइए। ठीक है, आ स्वर में गोला लगाइए का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी ये जो इस तरह का दिखने वाला जो भी स्वर है, ठीक है, आपको उसे गोला लगाना है, आपको ऐसे बच्चों को बताना है। ठीक है, तो पहला कहाँ दिख रहा है, ढूंढो, इसको आपको बोलना होगा कि ढूंढो, तो यहाँ आ दिख रहा है, यहाँ आ दिख रहा है। ठीक है, यह दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कल। ठीक है, फिर आ इसके जैसा और कहीं दिख रहा है, ये नहीं हुआ, ये तो हो गया, ये नहीं है, हाँ ये है, तो इसको भी ऐसे सर्कल कराना है। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ऐसे उनको उनको फिगर बना के देना है। आप खुद भी दे सकते हो या फिर आप वर्कशीट्स यूज़ कर सकते हो, किसी किसी भी बुक वगैरह का वर्कशीट आप यूज़ कर सकते हो, आते हैं बहुत सारे वर्कशीट्स की बुक। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आता है अगला स्वर, सॉरी अगला नहीं, अलग है, आई एम सो सॉरी, हाँ अलग स्वर में गोला लगाएं, अलग स्वर में गोला लगाएं, ओके, सो अलग स्वर में गोला लगाएं। तो इसमें जो भी आपको स्वर दिख रहा है उन्हें दिखाना है कि ये और ये सिमिलर है, एक जैसा है, तो किस में गोला लगाना है, अलग में लगाना है कि इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो ये सबसे अलग है, तो उसमें वो सर्कल कर पाए तो कर पाए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद करें। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और मैं बात बता दूँ, ये अ से आ अ अ, इसमें आपको बार बार प्रोनाउंस भी करना है, मतलब आपको बार बार उसका उच्चारण करना है कि हाँ देखो ये अ है, ये आ है, जितनी बार भी आप उन्हें पढ़ा रहे हो हर बार आपको क्या बोलना है, ये अ आ अ, इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि हाँ अ ऐसा दिखता है, आ ऐसा दिखता है, उसे फिगर आउट करने के लिए उन्हें ये सब सिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिक्त स्थान भरें। ठीक है, आप जैसे कि अगर ये सारा वो कर लिए हैं तब, ठीक है, इससे पहले का जितना भी है अगर वो सॉल्व कर लिए हैं तब ही आता है। इसमें क्या करना है कि रिक्त स्थान को भरना है, इसका मतलब है कि उनको याद होना चाहिए इस पर। ठीक है, ज़्यादा आपको एक ही साथ नहीं पूरा अह तक याद कराना है, थोड़ा थोड़ा याद कराना है, और देन अ के बाद क्या आता है, आ आता है, ई के बाद क्या आता है, बड़ी ई आता है, देन ए के बाद ए। ठीक है, ऐसे ऐसे उनको लिखवाना है। ठीक है, आप कोई भी एक स्वर दे देना, उसके बाद उनको लिखना होगा। तो ये था हिंदी का वर्कशीट, काफ़ी बेसिक था और आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, उसमें ज़्यादा कुछ हार्डवर्क नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीके। ठीक है, जीके, हाँ जीके में क्या है, अभी
नर्सरी में नया नया ऐड हुआ है ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही जीके पढ़ाया जाए ताकि जब वो बड़े हो जाएं उनके ऊपर ओवरलोड ना आए। ठीक है, तो जीके में काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ। अगर नर्सरी का बच्चा है आपका, जीके में अगर वो पढ़ना चाह रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही बेसिक होता है। आप पहले से अगर नर्सरी में नहीं गया है तो बहुत अच्छी बात है, पहले से ही आप उनको ना अपनी आँख को दिखा करके बताना है ये आई है, देन नोज पे अपने आप को पॉइंट आउट करके बताना है ये नोज है, लिप्स है। पहले आपको बॉडी फिगर में या फिर उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनमें से आपको उन्हें बताना है। ऐसे कॉपी की लिखी हुई चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी आईज बता सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि वेयर इज योर आईज, या फिर हिंदी में भी आप पूछ सकते हो आपकी आईज कहाँ है, नोज कहाँ है। ठीक है, बार बार उन्हें ये सारी चीज़ें आपको घर पे ही सिखानी होती है। देन वो स्कूल में जाएंगे तो उन्हें डायरेक्ट उन्हें लिखने को आएगा, उसमें मैचिंग द फॉलोइंग करने को आएगा, तो ठीक है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि इसमें आई का शेप बना हुआ है तो उसमें मैच करना है, जो भी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं उसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। तो यहाँ पर ये आई है, ये आई है, ठीक है, तो ये देन उसके बाद हैंड कहाँ दिख रहा है, ये हैंड उन्हें अपने हाथ को दिखा करके आपको रखी, ये देखो ये हाथ है और ये इसकी तरह दिख रहा है, तो उसके साथ क्या करना है आपको हैंड को बोल करके उन्हें मैच कराना। देन लिप्स, लिप्स की तरह दिख रहा है, ओके, तो यहाँ पर लिप्स से मैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको उन्हें पढ़ाना है। देन आता है फ्लावर्स। अब जैसे कि फ्लावर्स ने बच्चों को, अगर वो काफ़ी बहुत ही स्टैंडर्ड बच्चे हैं, काफ़ी तेज हैं, दिमाग के होते हैं कुछ बच्चे, तो उन्हें फ्लावर्स में तो याद हो जाता है, अदरवाइज उन्हें नहीं याद होता। ठीक है, तो आपको उन्हें सिखाना होगा, आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना कि नहीं अभी छोटा बच्चा है रहने देते, ऐसा नहीं करना, आपको उन्हें सिखाना होगा। और इसलिए क्या करना है, आपको बार बार उन्हें उस चीज़ों को वर्कशीट के थ्रू, मतलब कि उसमें काम कराने के थ्रू उन्हें आप जल्दी याद करा सकते हो। तो ठीक है, ये रोज़ है, आप बताओगे, आप खुद करो, ठीक है, खुद करोगे तो क्या होगा, उनके लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें कि हाँ मम्मा कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, या फिर अगर आप टीचर हैं आप कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। देन आता है सर्कल द एनिमल नेम। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको इससे पहले, मैंने सिलेबस दिया था नर्सरी के बच्चों को, फाइव फ्लावर्स नेम, फाइव एनिमल्स नेम याद होने चाहिए। ठीक है, तो फ्लावर्स नेम, एनिमल्स नेम और फाइव बॉडी पार्ट्स नेम, ये सारे अगर उन्हें याद रहेंगे तो ये वो, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल द एनिमल नेम। अब जैसे कि यहाँ पर रोज है, रोज तो फ्लावर होता है, लिली भी फ्लावर होता है, हैंड ये तो बॉडी पार्ट हो गया, तो यहाँ पर एनिमल कौन सा है, एनिमल ये है, टाइगर। ठीक है, तो ये था जीके के क्वेश्चंस। तो ऐसे ही वर्कशीट्स हम लाते रहते हैं, ऐसे ही सिलेबस हम बताते रहते हैं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके बच्चों को हम अच्छी तरह से पढ़ा पाएं। अगर आपको यह वीडियो अपने बच्चों को दिखाना है आप उन्हें भी दिखा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।